तो बॉलीवुड पिछले कई महीनों से बॉयकॉट और बॉक्स ऑफिस की खामोशी में फंसा हुआ है। फिल्मों का लगातार फ्लॉप होना इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है, और यह बहुत जरूरी है कि एक ऐसी फिल्म निकले जो इन सभी किस्तों को पार कर कुछ बेहतर करे। आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर शुक्रवार को हैदराबाद में एक समारोह के लिए ब्रह्मास्त्र के स्टारकास्ट में शामिल हुए। अभिनेता ने स्थिति से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ साझा किया, क्योंकि अतीत में कई बड़ी बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। फिल्म निर्माता और अभिनेताओं को संदेश देने के लिए जूनियर एनटीआर ने कहा, वे अब जो दे रहे हैं उससे ज्यादा चाहते हैं। निजी तौर पर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानता है कि जब हम दबाव में होते हैं तब हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए दबाव अच्छा है। मुझे लगता है कि पूरे उद्योग को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और अपने दर्शकों के लिए अच्छी बेहतर फिल्में बनानी होंगी। मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझता है कि मैं यहाँ किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। आइए चुनौती लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों के लिए अच्छी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को सलाह दी है जूनियर एनटीआर ने, और साफ कह दिया बेहतर फिल्म बनाकर चैलेंज स्वीकार करे भारतीय सिनेमा। और फिलहाल ब्रह्मास्त्र पर पूरी बॉलीवुड की उम्मीदें टिकी हुई है।